इसलिए कि पवन सिंह कोई मामूली आदमी नहीं है, नहीं। जो सारा समीकरण अभी पवन ही सिंह को रख लीजिए कि हराया निरहुआ हराया दिया। देखिए अभी लोग हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र में है जहां पर चुनावी सरगर्मियां बढ़ सी गई है, क्योंकि लेकिन काराकाट का सातवें चरण में चुनाव है, सबसे लास्ट में जो एक दिन का चुनाव होने वाला है, और यहाँ पर अभी से ही चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी है, क्योंकि जब से पवन सिंह ने निर्दलीय आने का अनाउंस किया है तब से युवाओं में कहीं ना कहीं जोश दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर गर्जीवन वर्ग के लोग क्या कर रहे हैं और 50+ के लोग क्या कर रहे हैं, उनकी राय क्या है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण जनता भी है और यहाँ का लोकल काराकाट के ही निवासी रहने वाले हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? अकबर अली जी। सर तो ये बताइए इस बार काराकाट लोकसभा का रुख क्या है? अभी रुख क्लियर नहीं है, अभी तो हाँ अभी तो रुख क्लियर नहीं है, अभी तो नॉमिनेशन होने जा रहा है। देखिए अभी पवन सिंह भी आए हैं तो बहुत उलट पुलट भी हो सकता है, इसलिए सबको नॉमिनेशन होने दीजिए तब न रुख पता चलेगा। पवन सिंह किसका वोट काटने वाले हैं? पवन सिंह तो ज्यादातर उम्मीद है कि एनडीए ही का वोट काटेंगे। एनडीए का है? हाँ जी। किस आधार पर आपका दिए? वो लग रहा है कोई एनडीए ही का वोट काटेंगे, आधार तो एकदम साफ नजर आ रहा है। इसमें आप भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है, सभी लोग समझ रहे हैं। बता दीजिए मेरे चैनल के माध्यम से। आपके चैनल से पता ही बता देंगे, अभी और भी देख लीजिएगा, लेकिन नॉमिनेशन होती है सब बता दिएगा, लेकिन एनडीए का वोट काट रहे हैं। चाचा का साफ कहना है कि एनडीए का वोट काट रहे हैं और सभी लोग समझ रहे हैं, लेकिन अभी बताना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि अभी चुनाव यहाँ पर सातवें चरण में है और चुनाव बहुत दूर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे और बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे। और राजा राम को आप किस तरह देखना चाहते हैं, राजा राम वर्सेज उपेंद्र कुशवाहा, इसमें आप बेटर किसको मानते हैं? देखिए उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए के कैंडिडेट हैं और राजा राम सिंह महागठबंधन के कैंडिडेट हैं, ठीक है। और ये प्रियंका चौधरी भी आ रही हैं, वो हाँ MIM के, हाँ ओबीसी पार्टी के उम्मीदवार होने वाली हैं, लोकल उम्मीदवार हैं, लोकल हाँ होने वाली हैं। और तीनों उम्मीदवार उसमें एक पवन सिंह भी आ गए हैं, जो सारा समीकरण अभी पवन ही सिंह को रख लीजिए कि किसका किधर से नुमारी कर लेंगे और किसका डैमेज करेंगे, किसको बढ़ा देंगे, किसको घटा देंगे, या हो सकता है कि रिजल्ट उनका भी हो जाए। पूरा काराकाट का समीकरण पवन सिंह पे आकर रुक गया है? हाँ पूरा पवन सिंह पर समीकरण रुक गया है कि किसको कितना सेनामारी करें, किसी को पता थोड़ी अभी है कि राजाराम सिंह डैमेज हो जाएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा डैमेज हो जाएंगे कि ये जो प्रियंका चौधरी डैमेज होंगी, तो समय बताएगा। चाचा अभी तो आप बोले कि पवन सिंह ज्यादा डैमेज एनडीए को करेंगे। हाँ ये तो ऑटोमेटिक है कि पवन सिंह डैमेज एनडीए को करेंगे, इसलिए करेंगे एनडीए को कि पवन सिंह को जो जिस समाज से पवन सिंह आते हैं उसमें एनडीए का बहुत बड़ा वर्ग वोट देता है और उससे उनको इधर आने से मतलब है कि एनडीए को तो डैमेज करेंगे ही, किसी बिना डाउट, कोई डाउट नहीं कि एनडीए को डैमेज नहीं करेंगे, क्लियर है। किस बार करेंगे? हाँ। तो फिर जब एनडीए को डैमेज करेंगे तो फिर महागठबंधन के उम्मीदवार राजा राम है तो फिर एक तरफा पड़ जाएगा। हाँ अभी तो फिर जो उनके समाज के लोग हैं वो तो सोचना पड़ेगा कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। हाँ मजबूरी में भी जा सकते हैं जी। हाँ ये जान लीजिए, इसलिए कि पवन सिंह कोई मामूली आदमी नहीं है, नहीं युवाओं में बहुत लोग प्रिय हैं। अमिताभ बच्चन बहुगुना को हरा दिया था जी। हाँ समझ लीजिए, और ये जो गोविंदा है राम नहीं को हराए हुए हैं जी। और ये देख लीजिए जो मुलायम सिंह का परिवार माना जाता है आजमगढ़, उसमें हराया निरहुआ हराया है। और जान लीजिए शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ हराया, आसनसोल में हराया, हीरो सीने स्टार को आसान मत समझिए, उसका भी फॉलोअर होता है जी, जी। उसको कोई मामूली आदमी नहीं है पवन सिंह, उसको आसान नहीं समझिए, उसको कौन नहीं जानता है? अमेरिका में जानता है लोग उसको, इंग्लैंड में जानता है, किसको कौन जानता है? इंडोनेशिया में जानता है, ये जो मॉरिशस है, बर्मा, भूटान, श्रीलंका, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, कौन देश में पवन सिंह को नहीं जाता है? वो भी फिल्मी जगत का एक अपने आप को माना हुआ कलाकार नहीं है, जैसे शाहरुख खान आपको हिंदी जगत का हॉलीवुड हीरो है, उसी तरह से भोजपुरी को नाम रोशन करने वाला भी पवन सिंह है। पवन सिंह कोई मामूली नहीं हीरो है, कौन कंट्री इसको नहीं जानता है? भारत में छोड़िए ना, भारत में दक्षिण में लोग इसको फिल्म देखते हैं, केरल में भी इसका बहुत अच्छा फिल्म चलता है, कर्नाटक में चलता है, कौन ऐसा बिहार नहीं जी, हिंदुस्तान के कोने को जहाँ हिंदी भाषी लोग नहीं भाषा समझते हैं लेकिन पवन सिंह का जो फिल्म होता है उसको देखते हैं।